नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। EPCH के द्वारा IHGF दिल्ली फेयर का आयोजन किया गया है। 2024 का ये संस्करण अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं निर्यातकों के मुस्कुराते चेहरे इस कहीं ना कहीं फेयर की सफलता को बयां करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ EPCH RK वर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ में। पहला प्रश्न यह लूंगा कि ये फेयर का आयोजन का आज दूसरा दिन है, पहला दिन बीत चुका है, निर्यातकों से आपकी लगातार बातचीत हो रही होगी, कैसा रिस्पॉन्स है? मैं जितने भी एक्सपोर्टर पार्टिसिपेंट से यहाँ मिला हूँ, मैक्सिमम बहुत खुश हैं, क्योंकि पहला दिन हर एक के बूथ में कोई ना कोई बायर का फुटफॉल हुआ है। बिजनेस तो अभी आने वाले कल या दो एक दो दिन के अंदर बटलाइज होता है, क्योंकि अगर बायर आया है तो वो पूरी एग्जीबिशन को देखता है, तो मैक्सिमम अभी सभी अपने में खुश हैं। जी बिल्कुल सर, अगर हम बात करें कि तमाम स्टॉल्स यहाँ पर हैं, तो लगभग कितने स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए होंगे और कितने फॉरेन बायर्स अभी आ चुके हैं या किन देशों से ज़्यादा हैं? देखिए, बायर तो ऑलमोस्ट अभी तक जो है मेजर, जो हमारे मेजर USA, UK, यूरोप हैं और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, मैक्सिमम कंट्री से एक एक दो कुछ ना कुछ बायर आए हुए हैं। बट ओवरऑल एंड में जाके कहेंगे कि हम पिछले साल से ज़्यादा बाहर आए इस बार आएंगे जी, जो लास्ट ईयर था। और एग्जीबिटर्स अगर हम टोटल एग्जीबिटर दोनों तो 3000 से ऊपर के एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि विश्व मंदी की ओर है, लेकिन भारत जो है कहीं ना कहीं इसमें भी इतने प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं ये फेयर मुझे लगता है पिछले बार और भी बहुत खास होने वाला है, जैसा सर का कहना। और तमाम निर्यातकों से जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, सर अंतिम सवाल लूंगा कि यहाँ पर विशेष तौर पर आप देख रहे हैं तमाम जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं, हाथ से बने हुए हैं, मुख्यतः आकर्षण का केंद्र क्या कुछ खास बना हुआ है? पहली तो बात, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसका अपनी यूनिकनेस है, हर एक कस्टमाइज ढंग से, अगर बायर स्मॉल अपना कोई डिजाइन भी देता है तो वो हमारे जो एग्जीबिटर हैं, जो निर्यातक हैं, वो उनको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बना देते हैं, तो बायर इसलिए हैप्पी है। छोटे छोटे क्वांटिटी में भी अगर उसको ऑर्डर सप्लाई करना पड़े तो उसको मिल जाता है। अपनी यूनिकनेस है, हाथ से बना हुआ है, इसलिए पूरे विश्व का रुझान अब इंडिया की तरफ है। अगर आप देखें जो विश्व में मंदी है उसका रीजन भी, मतलब बायर अगर वहाँ से है लेकिन वो स्पेसिफिक आ रहा है कि मुझे चाहे लिमिटेड लेना है सामान, लेकिन मुझे अपना यूनिक प्रोडक्ट लेना है, इसलिए उसको सोर्स करने के लिए वो आ रहा है। अपने अनुभव से हैंडीक्राफ्ट को कहीं ना कहीं बारीकी से जानने वाले EPCH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK वर्मा जी से हमने बातचीत की। ये बातचीत अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है कि ये फेयर कहीं ना कहीं सफलता के शीर्ष को हासिल करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।